रही हुई है इसकी, उल्टी पुल्टी होकर सो रही है। फ्रेंड देखिए छुई मुई का पेड़, छूते ही देखना मुरझा जाएगा पौधा। डुम डुम, ये देखिए, ये छुई मुई का पौधा है, छूते ही मुरझा जाता है। फ्रेंड्स हमारे घर के बाहर इस तरह से गाय वगैरह आती रहती हैं और बाहर बहुत सारी ऐसे भूखी गाय और जानवर वगैरह घूमते रहते हैं, तो हमको इस तरह से उनको चारा डालना चाहिए या घर में कोई रोटी वगैरह हो तो रोटियां ज़रूर इसको गाय वगैरह को डालनी चाहिए। और कुत्ते भी बहुत सारे घूमते हैं हमारे घर के आसपास, भूखे बेचारे होते हैं, उनको जानवरों को खाना हमको ज़रूर देना चाहिए। और धूप भी है, आज संडे है ना तो आज सब लेट उठे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग कनक फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज का व्लॉग शुरुआत हो चुकी है और देखिए, और देखिए हम जा रहे हैं चाय बनाने, हम लोग उठ गए हैं और कनव तो अभी सो ही रही है आप लोगों ने जैसे देखा, और अब चाय बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स सुबह की साफ सफाई होते हुए। हेलो इसको साफ कर देना, खेलने का ही। बहुत बड़ा चौक है यहाँ पे, झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए नाश्ता तैयार हो रहा है, ब्रेड में मलाई लगा जा रही है। और ये हमारी मैडम अभी भी सो रही हैं। कौन कौन ऐसे ब्रेड में मलाई लगा के खाता है? बहुत सारे, बहुत ज्यादा लोग खाते होंगे, उनको पसंद होगा इस तरह से लगा के खाना। किसी किसी को सिक्की हुई ब्रेड अच्छी लगती है, हम लोग सिक्की हुई ब्रेड भी खाते हैं पर कभी कभी इस तरह से भी अच्छा लगता है मलाई लगा के खाना। ये आप लोग भी चाय पी लीजिए। उठ गया, ए उठते एकदम शुरू। इसको कौन बता सकता है, ये सो के उठी है, उठ सो के उठते ही खुश हो के उठता है। जय श्री राम, जय श्री राम, आजा 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 आजा, उतर के आओ, आओ नाश्ता कर लो, चलो चाय पिएगा, आजा चाय पी ले, आजा आजा चलो सो जाओ सो जाओ। फ्रेंड्स देखिए कनव के पापा पानी लेके आए हैं। ले। अच्छा हाँ, ये वहाँ गिर गया था क्या? पानी लेके आए सामने टंकी से, सामने टंकी दिख रही होगी आपको ब्लैक कलर की, वहीं से पानी लेके आते हैं पीने का, बाकी नहाने धोने का तो हम टैंक में डलवा लेते हैं इसमें। और ये गाय खड़ी है, इसको रोटियां डालते हैं अपन। देखिए रात को मैंने दही जमाया था और ये देखिए दही जम गया मेरा, बढ़िया। और खाने पीने का अभी कुछ पता नहीं है कि क्या बनेगा, देखते हैं क्या बनता है। कनव का दलिया बन रहा है इसमें, दलिया नहीं खिचड़ी बन रही है कनव की इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए कनव की खिचड़ी बनके तैयार है, मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी, इसमें थोड़ा सा दही डाल दिया मैंने। ले। तो फ्रेंड्स देखिए मैं नहा के आ चुकी हूँ, आज का संडे इसलिए ऐसे ही मनेगा, और कनव सो ही नहीं रही है, उसको नहला धुला दिया था हमने। फ्रेंड्स देखिए दोपहर के खाने के लिए हम लोग फ्रूट खा रहे हैं, और फ्रूट में है ये पपीता और चार अंगूर। चार अंगूर ये है, ये कल भोग लगाया था ठाकुर जी को चढ़ाए थे तो वो मैंने लेके इसमें ही डाल दिए हैं। और ये देखिए ये पपीता देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब खा के देखते हैं कैसा निकलता है। तो फ्रेंड्स देखिए आज खाने में बनी है खिचड़ी और दही, और दही है तो गर्मियों में हमारी हेल्थ के लिए फ्रूट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमको गर्मियों में फ्रूट ज़रूर हमारे खाने में शामिल करने चाहिए। तो सिंपल खाना है आज के खाने में, और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए क्योंकि पेट खराब हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था बड़ा बड़ा सा पेट अजीब सा, तो हल्का खाना बनाया है आज। और ये कनव सो ही नहीं रही है अभी तक, कनव सो गई थी और अब वो उठ गई है,
और हम लोग यहाँ पे थोड़ा छाई में बैठे हैं पेड़ पौधों के पास, और वो उठ गई है, ये देखो उठ के आ गई है, ये देख ये उठ गई है मैडम, मैडम उठ गई है मैडम, अब तो कोई हालत नहीं सोएगी, वो उठ गई है वो, जाना क्यों ना हाई कर दो सबसे, हाई कर दो, हाई कर दो, हेलो हेलो, नींद में है नहीं मैडम, ये सोएगी नहीं अब, अब नहीं सोएगी वो, एक बार ही सोती है ये पूरा दिन में, बस एक बार सोएगी नहाने के बाद में, उसके बाद मुड़ जाएगी, फिर तो वो रात को ही सोती है, अब सारे गमलों की मिट्टी निकालेगी, फिर देखिए कितनी अच्छी हरियाली है। तो फ्रेंड्स देखिए शाम की चाय बन गई है और 5 बज गए हैं, और तो बस शाम की चाय का टाइम हो गया है, और आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए चाय, कनव यहाँ पे खेल रही है, तो फ्रेंड्स देखिए शाम के खाने की तैयारी हो गई है, तैयारी क्या हो गई है, सब्ज़ी बन गई है, ये देखिए आज बनाया है मैंने शाही पनीर, ये संडे स्पेशल, आटा गूंद के रेडी कर दिया है, ठीक है अब जब हम रोटियां खाएंगे तब रोटी बन जाएगी, अब थोड़ी देर बाहर चल के बैठते हैं, और सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है, देखते हैं कनव क्या कर रही है, कनव तैयार हो रही है बाहर जाने के लिए, कब टाइम होगा फिर 7 बजे के, तो चलिए बाहर चलते हैं अपन, थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, ये देखिए कुत्ते पपीते खा रहे हैं, पपीते के छिलके खा रहे हैं कुत्ते, पर हमारे यहाँ से सामने रोड दिखती है, ये गाड़ी आ रही है, कनव गई है पड़ोस में खेलने के लिए इस वाले घर में, बस देखिए ये कनव कितना शैतानी कर रही है, देखो बार बार हाथ में नहीं आ रही है ये, नो 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 उधर नहीं, टैंक पे नहीं, नो 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 उधर नहीं, उधर नहीं, बाबू क्या कर रहा है बच्चे, क्या कर रहे पापा, वापस वापस आ जा मम्मा के पास, मम्मा पास आ जा, नो नो तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग भी खाना खाने जा रहे हैं, और ये रोटी, और ये बनी है आज शाही पनीर की सब्ज़ी, और ये थोड़ी सी प्याज काट ली है साथ में, तो ये रहा हमारा आज का डिनर, कनव भी कर रही है साथ साथ में डिनर, उसकी दूध और रोटी खा रही है, ये डुम ये शेर के इसको अच्छा लगता है खाना, ले तो फ्रेंड्स आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए डिनर हमारे लोगों के साथ में, तो अब हम खाना खाएंगे, और आज के अपने इस व्लॉग के एंडिंग यहीं पे करेंगे, आप भी खा लिए खाने को तो आज के अपने इस व्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं, अगर हमारी आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, तो मिलते हैं अपने एक और नए बढ़िया से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाबू बाय कर दो, बाय टाटा।